अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 16 अगस्त सन 2024 और मैं मौजूद हूँ आज रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे, और आज मैं यहाँ से ट्रैवल करूँगा जेलम तक 104 डाउन सुबह खरम रेल कार पे, जो कि रैक प्लेस हो चुका है, इंजन भी आ चुका है, अभी वो इसके साथ अटैच होगा तो आपको दिखाते हैं। और 4:30 बजे यहाँ से इसका डिपार्चर होगा, और जो जेलम तक इसका जो फेयर है वो 450 रुपये है इकानमी क्लास का, तो हमारा भी इकानमी क्लास ही है, तो अब अटैच होता है तो फिर सफ़र का अपना एक आगाज़ करते हैं रावलपिंडी से जेलम तक। दोस्तों ZC206416 LHF मोड में आ रहा है अपने रैक के साथ अटैच होने के लिए। आज ये लीड करेगा इसको रावलपिंडी से लाहौर तक। यही दोस्तों ZC206416 अपने रेक के साथ अटैच हो चुका है 104 डाउन सुबह खरम के साथ, तो अभी बिल्कुल रेडी टू डिपार्ट है। अब 4:30 बजे राइट टाइम इसका डिपार्चर है, देखते हैं कि ये राइट टाइम डिपार्चर करती है यहाँ से या लेट चलेगी। ये दोस्तों इस वक्त 4:30 हो रहे हैं, और HBU 28038 के साथ 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर अप्रोच कर रही है। आज 3 घंटे ऑलमोस्ट डिले है। इस पर वर्किंग कर रहे हैं फैसलाबाद शेड के ड्राइवर नदीम असलम साहब, और उनको असिस्ट कर रहे हैं हाफिज अली उस्मान साहब। ये दोस्तों इस वक्त 4:30 हो चुके हैं और राइट टाइम डिपार्चर हो रहा है 104 डाउन सुबह खरम रेल कार का। दोस्तों इस वक्त रावलपिंडी रेलवे स्टेशन को खैर आबाद करते हुए 104 डाउन ने अपने लाहौर के लिए सफ़र का आगाज़ कर लिया। और इस वक्त रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का यार्ड क्लियर कर रही है।
दोस्तों इस वक्त 104 टाउन सुपर खरम रेल कार अपना पहला स्टॉप चकलाना रेलवे स्टेशन पे कर रही है। काफी ज्यादा मुसाफिर हैं। दोस्तों 2 मिनट आलमोस्ट स्टॉप करने के बाद 104 डाउन सुबह खरम रेल कार ने अपना डिपार्चर विसल कर लिया है और चकलाला रेलवे स्टेशन से मूव हो चुकी है। नेक्स्ट स्टॉप इसका गुजर खान। ब्रिज है और यहाँ पे कॉशन है 10 किलोमीटर का और इस वजह से गाड़ी यहाँ पे स्लो हुई है और दोबारा जेड सी 20 ने ना जाती है।
ये दोस्तों सामने इस्लामाबाद एक्सप्रेस जो है मेन जो इस्लामाबाद को जाती है वो मेन एक्सप्रेस हाईवे है। मिनट हो रहे हैं और हमारी गाड़ी लूप लाइन पे आ रही है कल्याण मवान रेलवे स्टेशन पे, यहाँ पे इसका क्रॉस होगा 39 अब जाफर एक्सप्रेस के साथ, तो अभी वो आती है आपको दिखाते हैं। ये जी बरगद के बड़े बड़े पेड़ जो कि रेलवे स्टेशन की शान है, और इसके साथ ये क्वार्टर बने हुए हैं। ये दोस्तों इस वक्त 5:17 हो रहे हैं और 39 अब जाफर एक्सप्रेस 3 घंटे 5 मिनट डिले के साथ मनक्याला रेलवे स्टेशन से थ्रू पास कर रही है। कोयटा से निकली है कल और मंजिल इसकी पेशावर कैंट। ZC206409 इसको लीड कर रहा है।
दोस्तों, इस वक्त मंदरा रेलवे स्टेशन पे ब्रेक सप्लाई हुई है, गाड़ी स्लो हुई है और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। यही एक बार फिर पुराने और बड़े बरगद के पेड़। थ्रू पास ही हुई है लेकिन स्लो स्पीड में हुई है और ZCU ने दोबारा नाजब किया। इस वक्त 5:42 हो रहे हैं और 104 डाउन सुबह खरम रेल कार गुजर खां रेलवे स्टेशन पर अप्रोच कर रही है। इसका शेड्यूल्ड अराइवल जो है वो 5:20 है और तकरीबन 20-22 डिले चल रही है और वेटिंग पे है 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस जो कि 2:23 डिले है। शेड्यूल स्टॉप करेगी 2-3 का और उसके बाद यहाँ से डिपार्चर करेगी। को लीड कर रहा है PH208302 जो कि फैसलाबाद से रावलपिंडी तक इसको लेके जा रहा है। ये दोस्तों 2-3 अपना शेड्यूल स्टॉप करने के बाद डिपार्चर उसे कर लिया और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल मूव हो चुकी है। सिटी से गुजरते हुए गाड़ी अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी झेलम रेलवे स्टेशन पे जो कि मेरी भी मंजिल होगी, मैं भी वहां तक ही जाऊंगा।
ये दोस्तों इस वक्त सुहावा रेलवे स्टेशन से थ्रू पास कर रही है वासीरा फोर टाउन। 6:05 हो चुके हैं इस वक्त।
दोस्तों इस वक्त 6:47 हो रहे हैं और 104 डाउन सुबह करम रेल कार झेलम रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है। शेड्यूल अराइवल इसका 6:35 है यहाँ पे और ऑलमोस्ट 10 मिनट डिले चल रही है। और मेरा भी सफर यहीं तक है इसके साथ। कहते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जा रही है ये दोस्तों। इस वक्त झेलम हम पहुंच चुके हैं और मेरा भी सफ़र यहीं तक था इसके साथ। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए स्टेशन पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।